लाए धीरज ढोणे न डॉट बॉल न इथं मात्र डावाची सुरुवात होत असताना मैदानाच्या चौफेर प्रेक्षकांची गर्दी मान्यवरांची उपस्थिती देखील बहुसंख्य होणे होत असताना या मैदानाच्या दिशेनं आदरणीय राजू पाटील सरांचं शुभागमन स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बॅक टू बॅक दुसरा डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना आघाडीचे दोन फलंदाज पंकज पाटील आणि त्याच्या साथीनं डावकुरे आताचा सूरज सांबरे या डावाची सुरुवात करण्याकरिता सहा षटकांची ही लढत ग्रँड फिनालेची मैदानाच्या आतमध्ये रंगत असताना सूरज ढोणे गोलंदाजी मार्कवरती पुनश्च एकदा धीरज ढोणे माफ करा यावेळेस हो क्या बात आहे धीरज ढोणेला मिळतंय यश शून्याचा चष्मा परिधान करून पहिल्या विकेटचा पतन होत असताना ग्रँड फिनाले मध्ये मिळालेलं पहिलं यश पाहतात विश्वास वळवी साहेब आपला किमती वेळ या ठिकाणी मात्र या स्पर्धेकरिता दिलाय बऱ्याच स्पर्धा असतात त्या ठिकाणी सौजन्य विश्वास वळवी साहेबांचं असतं समाज कार्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर मोलाचं योगदान विश्वास वळवी साहेबांच्या वतीनं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि आपण पाहतायत तर या ठिकाणी जिल्हा परिषद प्रीमियर लीगच्या वतीने साहेबांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान आपण या ठिकाणी करत आहोत जयवंत पाटील आणि मुन्नाबाई यांच्या जुगलते आपण आज सन्मान या ठिकाणी करीत आहोत माय चुपदार शाल आणि हे प्रेमाचं प्रतीक असं पुष्पगुच्छ देऊन आपण या ठिकाणी विश्वास साहेबांचा हा यथोचित स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करीत आहोत विश्वास साहेब आपण अनेक स्पर्धांमध्ये जात असता आज ही आपण मालाची स्पर्धा सावरते गिराळे गटाची पाहतो जिल्हा परिषद प्रीमियर लीग 2024 शेवटचा आणि अंतिम दिवस शेवटचा आणि अंतिम सामना या ठिकाणी सुरू आहे काय म्हणाल या ग्रामीण क्रिकेट बद्दल या ग्रामीण भागाबद्दल आपल्या सर्वांना माहिती आहे की प्रत्येक क्रिकेट टुर्नामेंट जिल्ह्यात निर्णया ठिकाणी जेवढ्या मोठ्या पद्धतीने होते तिथे विश्वास फाउंडेशन काय ना काय थोडा तरी सहभाग घेऊन आमच्या पद्धतीने जे काही मदत करण्याचा प्रयत्न करतो आम्ही नेहमीच करतो जसं की उद्या रॉकी ग्रुपचं आहे फायनल तिथे देखील आमचा सहभाग आहे आणि तिथे आमचं आरोग्य शिबिर देखील आहे अमय आमचा फार जवळचा मित्र आहे घरचे संबंध आहेत पण थोडी खंत अशी आहे की आज पहिल्यांदाच मी साखरेमध्ये आलो आणि पहिल्यांदाच मला बोललो थोडा दिवस पहिले बोलले असते तर नक्कीच आमची पूर्ण टीम इथे आरोग्य शिबिर अजून काय सहभाग अजून आमच्या तर्फे काय करता आलं असतं तर नक्कीच करता आलं असतं पण पुढच्या वर्षी नक्की करेन असं मी आश्वासन देतो आणि असं हे कर आशा बाळगतो की ह्याच्यामधले चांगला कोणता तरी खेळाडू भारतामध्ये कधीतरी एक दिवशी खेळेल जसं आपला शार्दूल ठाकूर पालघरमधून गेला तसाच कोणतरी चांगला प्लेअर इथून या गावातून जाईल अशी आमची अपेक्षा ठेवतो आणि दोन शब्द संपवतो धन्यवाद धन्यवाद साहेब आपली उपस्थिती पुढील उपक्रमांमध्ये प्रार्थनीय राहील आणि चला पुन्हा एकदा आपण मॅचच्या दिशेने या ठिकाणी जाऊया वेट अँड वॉच चा फटका सूरज सांबरेच्या बॅटमधून हवाई सफरीवरती षटकारानं या षटकाची समाप्ती पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्ती अखेर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती 7-1 बाबू सर क्या कहेंगे नहीं बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर पहला देखिए ओवर बड़ा अच्छा खासा हो चुका था इस वक्त देखिए मेहमान यहाँ से रचा लेते हुए बड़ी अच्छी बात देखिए यहाँ से पेश किए कि कोई और एक खिलाड़ी यहाँ पर जिला परिषद प्रीमियर लीग से अपना देश के लिए खेले तभी तो मैंने जिक्र किया था सुबह कि इसकी मोहब्बत में धोखा मिलता है जिला परिषद प्रीमियर लीग में चमक जा जैसे शार्दुल ठाकुर देखिए हम कह सकते हैं आज अपने देश के लिए देखिए नाम रोशन करते हुए और कोई एक खिलाड़ी यहाँ पर नाम रोशन करें यही सोच है पूरा प्रतियोगिता में देखिए हमारे आयोजक ने अद्भुत मेहनत ली है लेकिन देखते हैं किसका होगा खात्मा कौन बनेगा विश्वात्मा चैंपियन बनने का मजा कुछ अलग रहता है यहाँ पर दीपक सर और अंतिम गेंद पर छक्का आना यहाँ पर फिर से एक बार मोमेंट तैयार किया है इज डेफिनेटली कारण येणाऱ्या 365 दिवस झेडपीपीएल चा विजेता कोण ही रंगत मात्र होत असणार आहे यावेळेचा चेंडू जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न इनसाइड आउट चा फटका खेळून दिला नाहीये गोलंदाज निशांत दीपेश सर देखिए नो डाउट ये मैच बड़ा तगड़ा फाइट होगा क्योंकि रास्ता भी जीती है मंजिल भी जीती है और देखना है कौन किस पे भारी पड़ता है क्योंकि दोनों टीम भी जीती है यावेचा फटका गुडघा टेकून खेळण्याचा प्रयत्न कधी ऑफ साइड वरती कधी ऑन साइड वरती
मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जातोय मंगेश शेलारच्या माध्यमातून। मंगेश शेलारला थोडंसं सेन्सिबली खेळावं लागणार आहे, जेवढ्या जास्त वेळेला सूरज सांबरे स्ट्रायकर एंडवरती पॉवर प्लेच्या या षटकामध्ये येईल तेवढा उपयुक्त फलंदाजी तो आपल्या संघासाठी करू शकतो आणि ते दाखवून द्यावा लागणार आहे या वेळेस मात्र मंगेश शेलारला। या वेळेस या पुन्हा एकदा इनसाइड आउटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, सेन्सिबल बॉलिंग यावेळेस मात्र पाहायला मिळते गोलंदाज निशांत पाटीलच्या माध्यमातून। फलंदाजाला रीड करून गोलंदाजी करणं हे मात्र उत्तम कार्य यावेळेस मात्र गोलंदाजीच्या माध्यमातून होत असताना पाहायला मिळते। फलंदाज कोणत्या प्रकारचे फटके खेळेल हे अगोदर जाणणं फार गरजेचं आहे, त्यावेळेसच तुम्ही चांगला गोलंदाज बनू शकता। यावेळेचा फटका पुन्हा एकदा डॉट बॉल, बॉलिंगच्या लाईन मध्ये येत नाहीयेत, बॉलर काय पद्धतीचे चेंडू हाताळतो या लाईन कडे पाहले जात नाहीये, आपल्या मनाचे फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यामुळे बीट होतोय वारंवार। चौथा डॉट बॉल यावेळेस मात्र धावफलकावरती गणला जातोय। यावेळेस इथं गुज साधलं गेलंय गोलंदाजाच्या माध्यमातून, यावेळेचा चांगला फटका मार्शल सत्वीच्या डोक्यावरून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं सीमारेषा पार झेड पीपीएल सौकार। केवळ चार धावा बाबू सर, जबरदस्त गोलंदाजी निशांत पाटीलची। नाही बिल्कुल, निशांत ने एकदम से देखिए शांत कर दिए, कहते ना डाली पर बैठा हुआ परिंदों को पता है कि डाली कमजोर है फिर भी उस डाली पर बैठा हुआ है क्योंकि उसे डाली से ज्यादा खुद के पंख पर भरोसा है। जानते हैं सामने वाली टीम भी तगड़े हैं, बैटर भी देखिए अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या लाइन और लेंथ देखिए, तभी तो मोहम्मद शमी ने देखिए जहां पर 7 मैच में 24 विकेट लिया था। अच्छी लाइन अच्छी लेंथ ये दोनों चीज आपके अंदर होनी चाहिए, भला आपके पास गति हो या ना हो। निश्चितच आपल्या नावाप्रमाणे शांत ठेवलंय निशांतनं फलंदाज मंगेश शेलारला। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 5.50 सरासरीनं 11 धावा धावफलकावरती लागताना पाहायला मिळतात। इथून मात्र नव्या गोलंदाजाला आमंत्रित केलंय, नवा नाही हा तर छावा आहे, या स्पर्धेतला सर्वाधिक बळी टिपणारा गोलंदाज शैलेश लहांगे गोलंदाजी मार्क वरती। अवघ्या 20-22 वर्षामध्ये त्याने मिळवलेलं हे कसब गोलंदाजी मधलं त्याचं हे कौशल्य आज मात्र या संपूर्ण सावरे ते गिराळे या गावांमध्ये जाऊन पोहोचलंय। गोलंदाजी मार्क वरती शैलेश लहांगे आणि त्याच्या विपक्षामध्ये सूरज सांबरे। खोलवर टप्प्याचा चेंडू उडवलाय, ओ हो हो, व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक, मॅग्निफिसेंट चेंडू सीमारेषा पार झेड पीपीएल। थँक्यू थँक्यू डीसी मास्टर, संध्याकाळच्या सत्रामध्ये चषकाला खांद्यावर घेण्याकरिता अशा प्रकारची फलंदाजी होणं गरजेचे आहे। साई सावली या संघाकरिता हे साईंचं गीत मात्र मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना पाहायला मिळते। षटकार धावफलकाला आकार, धावफलक जाऊन पोहोचतंय अर्थातच 17 या धावसंख्येवरती। इथून मात्र कोणाला खतरा, अकुटप्याचा हा चेंडू हलक्या हाताने केव्हा स्टीअर केलाय डीप मध्ये खेळाडू ऑफसाइड वरती, सेन्सिबल क्रिकेट यावेळेस दाखवलंय ते अर्थात सूरज सांबरेने केवळ एकेरी धाव धावफलकावरती वधारती आहे। नाही बहुत बढिया, देखिए लाचबा पल्लेबाजी और टीम का स्कोर बात करेंगे 18 रन तक देखिए पहुंचता हुआ यहाँ पर हम, पहली गेंद पर छक्का आया उसके बाद देखिए सिंगल आता हुआ, और अभी भी देखिए बात करेंगे गेंदबाज जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एकदम से सफल साबित हुए थे शैलेश को देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रुक कर रखे बैटर से पर देखिए देखते आने वाले गेंद में कितनी और घातक साबित होंगे यहाँ से। अकुटप्याचा हा चेंडू वाढव्या बॅटनं हवेमध्ये खेळलाय, क्षेत्ररक्षक वेगानं चेंडूवरती टिपला जातोय झेल, संपतोय मंगेश शेलारचा खेळ, विकेटचं पतन।
मनाचा आनंदाचा मात्र पूर यावेस मैदानामध्ये पाहायला मिळेल। तर आपण पाहूयात दत्ताजी सांबरे यांच्याकडून सूरज सांबरे ने जो षटकार लगावला त्याकरिता 100 रुपयाचं पारितोषिक आले। न्यू बॅटर इन अर्थातच एकॉन योगेश किणी मैदानाच्या आतमध्ये अकू टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर कट केला हवेमध्ये वेद पाटील जेलच्या खाली। ये क्या किया भाई, ये क्या छोड़ा है, के मैच छोड़ा है, आने वाला समय ही बताने वाला है। नहीं बिल्कुल देखिए प्रासन से क्या था, यहाँ पर गेंदबाज तो यही कहेगा भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था, क्योंकि जब खुद के साथी खिलाड़ी गलती करते हैं तो फिर दोष यहाँ किसको दे भाई। इसलिए तो कहा जाता है कबर हो या खबर खोदते तो अपने ही है, लेकिन इस गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। यस डेफिनेटली इथून मात्र चुका दुरुस्त करणं गरजेचं असणार आहे, कारण इथून या सामन्यावरती मजबूत पकड करण्याकरिता या दोन बॅटर्सना थांबवावं लागणार आहे शैलेश लहांगेला। अकू टप्प्याचा हा चेंडू भिरकावलाय जागा बनवून, ओ हो स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून षटकार खेळणं काम सोपं नाहीये या मैदानावरती। ZBPL षटकार पंचवीस धावा पाहायला मिळतात, 14 धावा या षटकामध्ये गर्जिकातल्या शैलेश लहांगे वरती चढवलेला हल्ला। नाही बिलकुल कहते ना कामयाबी की दरवाजा होने के लिए खुलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं, और सूरज ने ये करके दिखाया यहाँ पर से। लेकिन आने वाला देखिए इसके बाद बात करेंगे, यहाँ से 3 ओवर यानी 18 गेंद अभी भी बचा है, लेकिन अंतिम 18 गेंद के पर सूरज का बहुत बड़ा अहम इनिंग्स रहेगा यहाँ पर से। जिस तरह से उनका स्वागत देखिए बात करेंगे यहाँ पर साथ योगेश केनी देखिए यहाँ पर देते हुए, योगेश केनी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, साथ बड़ा अच्छा निभा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शैलेश इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से प्रभावित किए थे, भले ही देखिए सफलता इनके हाथ लगी थी लेकिन दो छक्के खाए थोड़ा महंगे साबित हुए। बड़ा मैच है, कम से कम 55-60 है, मैं कहूंगा यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सूरज को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। कहते ना सुबह अभी जिंदा है और शाम अभी जिंदा है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है जब तक मैदान पर सूरज जिंदा है। यावेस वेद पाटीलचा हा फटका, यावेस क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली शैलेश लहांगे, योगेश किणीला परतावं लागेल, बड़ी मछली जाल में विकेटचं पतन। या ठिकाणी ज्या वेदनं कॅच सोडला होता त्या वेदनंच योगेश किणीचा अडसर दूर केलाय, म्हणजे क्षमता होती आणि त्या क्षमतेला इथं मात्र प्रदर्शित केलंय। नाही वेदने देखे बता दिया भाई मुझे गालिया सुनने की आदत नहीं है, मुझे तालिया सुनने की आदत है, ये खिलाड़ी के अंदर जोश होना चाहिए यहाँ पर, और बहुत बढ़िया देखे सफलता दिलाते हुए। कहते ना बुरा वक्त रुलाता है लेकिन बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है, शायद उन्होंने क्या छोड़े थे लेकिन उससे सीख मिली है, इसलिए तो कहा जाता है कुछ चीज सबर से मिलता है कुछ चीज सबक से। और बहुत बढ़िया देखे अप्लाइड किया था एकदम से ऑप्शन से बाहर व्हाइट गाइज इष्टा से रहना, दबाव डालेंगे देखिए नए बैटर के ऊपर, लेकिन सिया से सूरज देखिए अभी इस वक्त नौ स्ट्राइक पर है। देखते हैं सूरज आज है, एक बड़ा इनिंग्स खेलना होगा सूरज के ऊपर अगर अच्छा एक टोटल सेट करना है तो। यस डेफिनेटली त्याच्या साथीने नितेश जो आताच मैदान मध्ये आलाय त्याला देखील साथ करावी लागणार आहे, कारण खऱ्या अर्थाने जोपर्यंत तुम्ही एक आणि एक 11 बनत नाही मैदानाच्या आतमध्ये तोपर्यंत खेळ चांगला होत नसतोय। पुन्हा एकदा वेद पाटील गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होत असताना यावेचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा जागा बनवून दिलेली नाहीये। बाबू सर ज्या पद्धतीने आता आपल्या पनवेल नवी मुंबई विरार परिसरामध्ये जागेचे भाव वाढले आहेत, तसे जागेचे भाव आता आमच्या या सफाळा परिसरामध्ये देखील वाढू लागले आहेत, त्यामुळे गोलंदाजानं ते फलंदाजाला जागा बनू दिलेली नाहीये। डॉट बॉलची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना काही कमालीची गोलंदाजी यावेळेस मात्र दर्शवतोय वैद पाटील। यावेचा चेंडू बाहेर चाललाय का, पंचांना प्रश्न केलाय, अपील केलंय, पंच कळवतायत डॉट बॉल। नितेश को यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल लीजिए और स्ट्राइक देखिए सूरज को, इतनी अच्छी लय में सूरज बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, सूरज सांबरे नहीं एक सांबा का इनिंग्स खेल रहे हैं भाई। पुनः एकदा गोलंदाजी मार्क वरती फेद सज्ज होत असताना यावेस पहा ओवर एंग्शियस झाला, पंच कळवतात नो बॉल। अधिक उत्साह कधी कधी अंगलट येतो, बहुत बढ़िया देखिए लाजवाब, लेकिन सूरज इन्हें कंधों में जिम्मेदारी लेना होगा यहाँ से, क्योंकि रनों में अंकुश लगाए हैं, लेकिन दीपेश जी कहते हैं ना घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है, और अभी तक देखिए गेंदबाजों ने ये करके दिखाते हुए। डेफिनेटली सर्व काही जर परमेश्वराकडे मागून मिळालं असतं तर परमेश्वरानं भिकाऱ्याला भीक आणि शेतकऱ्याला पीक
कधीच कमी पडून दिलं नसतं. त्यामुळे तुम्हाला जे मिळवायचं आहे ते तुमच्या प्रयत्नांनी मिळवायचं आहे आणि त्याकरिता प्रयत्नांची पराकाष्ठा मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागणार आहे. सुरज सांबरे आणि त्याच्या साथीनं नितेश जाधवला. वेद पाटील यावेळेस मात्र फ्री हिटचा चेंडू हाताळेल तो फलंदाज अर्थातच सुरज सांबरे करिता. अकुटप्प्याचा चेंडू आपल्या ताटणीचा फटका पेटंट सूरज सांबरे स्ट्रोक सीमारेषा पार षटकार. मास्टर तुका म्हणे येथे पाहिजे तर जातीचे काम नोहे एऱ्या गबाल्याचे. अशा प्रकारचे फटके खेळण्याकरिता तुमच्याकडे सराव आणि त्या पद्धतीची तुमची नजर असली पाहिजे. ते मात्र दर्शवतोय सूरज सांबरे. ओव्हर दी स्क्वेअर लेग लॉंग लेग हेड षटकार खेळणं सोपं काम नाही आहे, परंतु ते काम मात्र सोपं करून दाखवलंय बॅटर सूरज सांबरेने. यावेळेस क्षेत्रक्षणामध्ये बदल करायला भाग पडलाय. लॉंग लेग वरती खेळाडू नेलाय धीरज ढोणेच्या रूपानं. क्षेत्रक्षणामध्ये बदल होतोय. सर्वच्या सर्व खेळाडू ऑफसाइड मध्ये 30 yard सर्कलच्या आतमध्ये. केवळ लॉंग ऑफचा एक अपवाद वगळता शेवटच्या अखेरच्या दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. पुन्हा एकदा सूरज सांबरे स्ट्रायक रेंजवरती. यावेळचा चेंडू फलंदाजानं दांड्या दाखवल्या आणि गोलंदाजानं त्या वाकवल्या. विकेटचं पतन. था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था. पिछली गेंद के बाद सूरज ने छक्का दागे थे, वो उसका था चुनौना, और इस बार देखिए गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून. यस डेफिनेटली, क्या बात है. म्हणजे अशा प्रकारचं स्पष्टीकरण देण्याकरिता या देखील उक्त्या द्याव्या लागतात हे मात्र दर्शवलंय. मला वाटतंय आणखी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय सूरज सांबरे करिता. क्या बढिया, देखिए यहां पर से बढिया मुकाबला बनते जा रहे हैं. यही तो हमने बात छेड़ी थी भाई, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद के पैरों पर लगानी पड़ती है. और वेद ने यहाँ पर लगाते हुए और बड़ा विकेट इस वक्त देखिए रनों में अंकुश लग सकता है. Yes, definitely 34 धावा धावपळका वरती. पुन्हा एकदा वेद पाटील गोलंदाजी मार्क वरती. यावेळेस काय फटका सजवलाय नटराज मुद्रेमध्ये हा चेंडू शैलेश लहांगेच्या दिशेनं. एक धाव घेतली दुसरी करता वळाले आहेत आणि दोन धावा देखील पूर्ण होताना पाहायला मिळते. दुहेरी धावेने षटक क्रमांक 5-4 ची समाप्ती. धावपळकावरती प्रति षटक 9 च्या सरासरीने 36 धावा. धावगती पाहिलीत ना तर खूप चांगली आहे, परंतु इथून गडी थांबवणं गरजेचं असणार आहे हे मात्र पाहायला मिळेल का बाबू सर. बहुत बढिया, देखिए मुकाबला बनते जा रहा है लगातार. दीपेश सर कहते ना, तालाब में जब पानी भरता है ना पहले मछलियां चींटी को खाती है, और वापस जब पानी सूखता है फिर चींटी मछलियां को खाती है. यानी मौका दोनों को मिलता है, बस उस मौके का इंतजार करना चाहिए. सूरज देखिए शुरुआत में हावी हुए और उसके बाद देखिए गेंदबाज वापसी करते हुए. क्रिकेट का दस्तर तो यही है भाई, झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है. अब अंतिम 12 गेंद के बहुत कुछ तय करेगा भाई. कहते ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है. नए बैटर है, नए परिंद को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है. अरे चलिए भाई गेंद थोड़ा सा यहाँ पर लाइन से भटकते हुए व्हाइट का इजाफा. देखिए एक्स्ट्रा से एक रन आता वहां पर. शैलेश देखिए बात करेंगे, प्रशिक बार गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. और नए बैटर देखिए दोनों यहाँ पर से. विश्वनेश्वर दर्शक देखिए क्राउड एकदम से खचाखच, लगभग 10,000 से ज्यादा, एक सनसनी फाइनल मुकाबला के मजा लेने के लिए. रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए. और ये चले भाई यहाँ पर ट्रिप कवर के ऊपर से खेला गया है. फील्डर तैनात है लेकिन जब तक गेंद वापस आता है, ये देखिए खराब फील्डिंग यहाँ से भाई. इसलिए तो कहा जाता है भाई, शराब तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है, गेंदबाज तो यूं ही बदनाम है जब खराबी फील्डिंग में हो. क्या बात है बाबू सरांचं हे समालोचन आवडलं सर. एकदा जोरदार टाळ्या बाबू सरांनी देखील झाल्या पाहिजेत. निश्चित रूप से दीपेश सर, मैं हमेशा कहता हूँ ना, बंदूक के विचार से न तलवार की धार से. अगर आज बाबू साहब फेमस है ठाणे रायगढ़ महाराष्ट्र, आज पालघर लोगों का भारी. चलिए भाई कलाई चला यहाँ से, क्या बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर. इस बार में यहाँ से दूसरा चौका आता हुआ. बैटर की बात करेंगे तो यहाँ से नीतीश का गाड़ी चलता हुआ यहाँ से देखे पम 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 रन. थँक यू डीजे मास्टर. बॅक टू बॅक दोन सावकार आतापर्यंत साकारले आहेत नितेश जाधवनं. कमालीची फलंदाजी आणि कमालीची उपयुक्तता आपल्या साई सावली संघाकरिता. मेक इट 3 नो, बट दॅट इज अ ह्यूज वन, दॅट इज अ ह्यूज 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 सिक्सर.
और जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले उसे नायक नहीं खलनायक यहाँ पर नितेश थे, यहाँ पर एक खलनायक इनिंग्स खेलते हुए जबरदस्त जबरदस्त इनिंग आपल्या वादळामध्ये अडलेल्या नौकेला खऱ्या अर्थाने बाहेर कबचवण्याचं काम करतोय तो नितेश जाधव। ओ यावेस खूप चांगला पद्धतीचा फटका मार्शल सातवी ने फ्रेम आहेत, मार्शल सातवी यांनी जर झेल टिपला तर आदरणीय महेश पाटील आणि त्यांच्या साथीदार यांच्याकडून प्रत्येकी 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे हे मात्र लक्षात आलं। मार्शल सातवी जेव्हा फ्रेम मध्ये आले त्यावेळेस एकेरी धावांनी धावफलक वाढवलं जात आहे, धावफलकावरती एक धाव वाढते धावफलक 52 सांघिक अर्धशतक धावफलकावरती पाहायला मिळते। यावेळेचा चेंडू चालला डीप मध्ये स्वीपर कव्हरवरचा खेळाडू चूक करणार नाहीये, फेकी चांगली दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चुकीचा होता का पंच कळत आहेत नॉट आउट। चलिए पर एक बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ चाहे कड़क और बल्लेबाजी हो रही है बेधड़क, क्या बात है जबरदस्त। अखेरचा शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे, धावफलकावरती 53 धावा आहेत आणि इथून मात्र शेवटचा हा चेंडूचा सामना करण्याकरता पुन्हा एकदा नितेश जाधव सज्ज होताना पाहायला मिळतो। यावेस मोठा समालोचन कक्षाला सलामी देत असताना आमच्या मान्यवरांचं स्वागत करणारा जबरदस्त ZBPL षटकार। वेद पाटील गोलंदाजी मार्क वरती उलट टप्प्याचा चेंडू, या वेळेस मात्र स्ट्राइक मिळेल का, स्ट्राइक मिळेल का तर पंच कळत आहेत तिसऱ्या पंचांच्या कोर्टामध्ये हा चेंडू या निर्णयाकरिता। आदरणीय सन्माननीय वसंतजी चव्हाण साहेबांचं शुभागमन। थँक्यू डीजे मास्टर। धावपळकावरती धावांचा विचार केला तर आपण पाहिलं सहावं षटक प्रगतीपथावरती असताना तब्बल 59 धावा आहेत, अंपायर कॉल तो चलिए यहाँ पर खास मेहमान इस वक्त आ रहे थे साइट एंगल से दिखाई नहीं थे लेकिन जो अंपायर की कॉल है साथ वही डाउटफुल यहाँ पर भी बैटर बाद होऊन बाहेर परतलाय। 59 धावसंख्येवरती धक्का क्रमांक 5 लागत असताना न्यू बैटर योगेश सांबरे मैदानाच्या आत मध्ये नाही, बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं रहेगा पर बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रो देखे दिलाते हुए। दीपेश सर कहते ना घायल तो यहाँ हर कोई परिंदा है लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, क्या उड़ान भरेंगे यहाँ से बल्लेबाज या गेंदबाज अंतिम ओवर में यहाँ पर वापसी कर पाएंगे। डेफिनेटली मात्र वेद पाटील ज्या पद्धतीने चेंडू हाताळाला गेला होता खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी जी सातत्याने होत असताना पाहायला मिळते। वयाच्या 18 वर्षांमध्ये मोठ्या मोठ्या खेळाडूंना थांबवण्याचं काम वेद पाटीलने या स्पर्धे दरम्यान केलंय। लॉंग दी कार्पेट गेलेला हा चेंडू मात्र अडवलाय या मयूर अंबेकरनं, 60 धावांवरती धावफलक जाऊन पोहोचलंय। काय जबरदस्त इनिंग साकारतोय आतापर्यंत जर पाहिलं नितेश जाधव, जर पाहिलं तर वैयक्तिक नितेश आपणास यावेळेस 22 धावसंख्येवरती फलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय। केवळ 8 चेंडू आणि 22 धावांची ही त्याची खेळी त्याच्या संघाला मात्र उपयुक्त ठरते। यावेळेस वेगवान चेंडू बॅटची कडा घेऊन चांगला येईल रॉंग स्टॉप रिझन कडे घरंगळत जमिनीला गुदगुल्या करत घासत पुसत चाटत सीमारेषा पार चौकार। थँक्यू विडीचे मास्टर चौकार। धावपलकाला आकार धावपलक 64 धावांवरती संध्याकाळच्या सत्रामध्ये वाढत चाललेला धावसंख्येचा हा आलेख
ज्यास मात्र उंचावत चालला आहे वेगान आणि अतिशय वेगान। अकुटप्प्याचा चेंडू हुक केलाय, वन बॉल सीमारेषा पार, नितेश जाधवच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक दुसरा चौकार। वेद पाटीलला भांबावून सोडलंय ऐन प्रेशरच्या मॅच मध्ये। ओ मोठा फटका, उंची बरोबर अंतर गाठेल का तर नाही, मयूर अंबेकर झेलच्या खाली अगदी चांगल्या खेळीला पूर्णविराम लागलाय। मित्रांनो या छोट्याशा खेळीचा हा तुम्हाला नजराणा आवडला असेल एकदा जोरदार टाळ्या नितेश जाधवकरच्या झाल्या पाहिजेत। 30 धावांची खेळी, 11 चेंडू आणि 30 धावा आपल्या संघाकरिता बनवत असताना वैद पाटीलला मिळालेलं यश, चेंडूंचा विचार केला तर चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे तो अर्थातच दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। सर दोन बॉल आहेत लास्ट, अखेरचा चेंडू आहे। स्कोरर कडून होणाऱ्या चुका यावेळेस मात्र पंचांनी सांभाळून घेतलंय। फुल टॉस वेगानं परंतु बॅट वरती आलाय चांगल्या पद्धतीने चाललाय, स्क्वेअरच्या दिशेनं सीमारेषा पार, शेवटच्या चेंडूवरती आलेला चौकार। क्या बात है, भन्नाट वेगानं 12 सरासरीनं धावपलकावरती 72 धावा लागल्यात जिंकण्याकरिता 73 धावांचा इनिंग। ब्रेक मध्ये डीजे मास्टर कडे जाऊयात, नंतर पुन्हा एकदा चर्चेकरिता बाबू सरांकडे वळूयात। देखिए पर पहले 25 रनों का इनिंग्स खेले, लेकिन साथ यहाँ पर पंकज पाटिल नहीं लिभा सके, शून्य पर आउट हुए। उसके बाद मंगेश सदर ने देखिए 5 रन है, उसके बाद योगेश के लिए 1 रन से, और उसके बाद जो नितेश यादव का देखिए मिडिल ऑर्डर पे 11 गेंद के पर 30 रनों का इनिंग्स है और एक अच्छी टोटल तक पहुंच गया टीम। सालू सामन्या मध्ये जर सही सवली संघाने विजय प्राप्त केला तर आदरणीय दत्ताजी सांबरे आणि संदीपजी सांबरे या दोनही सांबरे बंधूंकडून 1002 रुपयाचं बक्षीस असणार आहे ते साई सवली बोर्ड संघाला। यावेळेस जर आपण पाहिलात तर पहिल्या इनिंग करिता आणि या संपूर्ण स्पर्धेकरिता जिल्हा परिषद प्रीमियर लीगच्या कार्यकारिणीनं या स्पर्धेमध्ये 2 दिवस समालोचन करण्याची मला संधी दिली, त्याबद्दल मी समालोचक दीपेश अनंत माने विरार आपल्या सर्वांचं सहर्ष ऋण व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो। या स्पर्धेकरता आपण दिल्ली संधी चिरकाळ लक्षात राहील आणि इथून पुढील स्पर्धांकरता या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्हाला नवी ऊर्जा मिळेल याकरिता नक्कीच प्रयत्न करू। पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि मायक्रोफोन वरती पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी पहिल्या दिवसापासून समालोचन केले असे आमचे समालोचक मित्र मंथनजी गर्द यांना आमंत्रित करतो। थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच। चलिए बहुत बढ़िया दीपेश माने सर, पहिला इनिंग्स लाजवाब रहा आपकी, अपर वॉइस देखिए बहुत बड़ी कमाल की वॉइस, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट कॉमेंट्री, बड़ा मजा आया देखिए आज कमेंट्री करने का। लगभग देखिए हमने पूरी रात की नींद लेकर यहाँ से आए थे डी नेट के साथ, लेकिन इस कमेंट्री बॉस पर देखिए दीपेश वाणी सर, मंथन गरज सर देखिए, और खास करके जो मेहमान हम सुबह से देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में जो दिल जोड़े हैं देखिए, और इस टूर्नामेंट को देखिए चार चांद लगाते हुए
कहते ना फूल तो टूटकर बिखर जाएगा लेकिन खुशबू हवा में रह जाएगा। जिला परिषद प्रीमियर लीग देखिए यहाँ से अलविदा ले लेगा लेकिन जिसका खुशबू 365 दिन है। मंथन सर जुड़ जाइए यहाँ पर, हम चलेंगे आखिरी मैच है भाई और टारगेट की बात करेंगे। हैरी शेर देखिए मैदान पर उतर चुके हैं, चिंगो चिंगो अब मजा आएगा भाई। एक डांसिंग अंपायर हैरी शेर का सपना उम्मीद लेके उतरे हैं भाई कि मेरी भी झोली भर दो। मुन्ना सर हैरी शेर बता रहे हैं भाई एक्शन से कि मेरी भी झोली भर दो क्योंकि आखिरी मैच है और शायद जो इनामों की बख्शिश की बारिश होती है अभी तक वो इंतजार में है। बहुत खूब रहेंगे, आएगा डीजे तैयार रहिए। मराठी में कहते हैं अक्सर देखिए दशरथ पाटिल सर ओटी भरो भाई इनका, कोई बात नहीं खेम शहरी शहर चलेंगे मैच की तरफ, खूब मजा आएगा भाई। टारगेट भी देखिए बड़ा है और 73 रनों का मैच भी बड़ा है और ये प्रतियोगिता भी बहुत बड़ा है। पहला गेंद भंडा टियर कर दे क्या से गेंद कम खेलने होगी। मंथन सर कहते ना हल्दी लगाने के उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। शिवसेना जिल्हा प्रमुख सन्माननीय आदरणीय श्री वसंत चव्हाण साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। वसंत चव्हाण साहेबांचं शब्द सुमनाने हार्दिक स्वागत। या ठिकाणी मात्र मोठा फटका खेळलाय, या ठिकाणी 3-4 क्षेत्ररक्षक पुढे आले होते आणि अगदी शेवटच्या क्षणाला सुंदर असा झेल विकेटचं पतन गॉन हॅरी सर। हॅरी फलंदाजाला मात्र घेऊन जातात पॅव्हिलियनच्या दिशेला। चले हॅरी सर क्यों उनके घर में आग लगा रहे हो। पहले तो देखिए यहाँ पर विकेट गिर चुका है और टारगेट देखिए जहाँ पर 73 रनों का बड़ा टारगेट है। मंथन सर देखिए यही दिक्कत होता है जब आप सेकेंड इनिंग में बड़ी टारगेट के पीछे आते हो ना, ट्रिक साझेदारी की बहुत जरूरत हो जाती है। कहती है ना जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए नीतीश का वो इनिंग कहते हैं। क्या गेम चेंजर इनिंग्स रहा है पर 30 रनों का इनिंग्स। कहते ना डर तुझे कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर तो आंद्रे रसल बनेगा। एक मसल इनिंग की यहाँ जरूरत है। नक्कीच डेफिनेटली इथे मात्र चांगली इनिंग साकारावी लागेल। या ठिकाणी मात्र स्विच इट खेळलाय चेंडू बरं आजकाल हवे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी मात्र चेस करतात चेंडू गेलाय पंचांचा सिग्नल 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 या ठिकाणी सिक्सर षटकार। मोठा फटका, मोठा फटका आला। धाव संख्या आपण पाहू शकाल, धाव संख्या झालेली आहे फलकावर 6। पुन्हा एकदा स्विच इट त्याच अंदाजात त्याच दिशेला क्षेत्ररक्षक यावेळी मात्र पोहोचतायत कव्हरच्या दिशेने। एक धाव तर इझिली कम्प्लीट केली, दुसऱ्याचा देखील प्रयत्न आणि दोन धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत। त्यात आपण पाहिलं तर दोन धावांनी धाव संख्या फलकावरती झालेली आहे 8 रन्स ऑन दी बोर्ड। आपण पाहता जिल्हा परिषद प्रीमियर लीग 2024 अंतिम लढत दोन संघ आपण पाहू शकतायत अगदी चांगल्या प्रकारे आपल्याला खेळताना दिसतायत या अंतिम लढतीमध्ये। सन्माननीय आदरणीय सदानंद गणुवजे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावरती यायचंय। पाहूया या ठिकाणी षटकातील पुन्हा एकदा पुढील बॉल नितेश घेऊन येत आहेत मयूरसाठी त्याच अंदाजा हात खेळण्याचा प्रयत्न। बघा संधी तुम्हाला सारखी सारखी मिळणार नाहीये, एकदा मिळेल दोनदा मिळेल तिसऱ्यांदा मात्र मिळणार नाही। गोलंदाजाने या ठिकाणी चातुर्य बाळगलं आणि या ठिकाणी चांगला बॉल जो जिंकेल त्याला सदानंद गणू वजे साहेबांकडनं 1011 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी मात्र जाहीर झालंय। चलिए यहां से बात करेंगे, बड़ा हिट का जरूरत है। कहते ना दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है तो बड़ा हिट देखिए स्लोक स्वीप यहां से वन बाउंस लेने के साथ साथ देखिए पर चौका आता हुआ यहां पर जंकी हो गई है लांस डीजे। वसंत चव्हाण साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, साहेबांचं आपण या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत। मंडळाचे आपण पाहतायत खजिनदार सन्माननीय आदरणीय जयवंत पाटील साहेबांना मी विनंती करीन आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे। वसंत चव्हाण साहेबांचं आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करीत आहोत। माय चूपदार शॉल आणि प्रेमाचं प्रतीक असलेलं असं हे पुष्पगुच्छ या ठिकाणी आपण देऊन हा सन्मान करतोय। त्याचबरोबर मुनाबाई या ठिकाणी आपण पाहतायत
सन्मान चिन्ह या स्पर्धेची आठवण म्हणून आपण पाहतायत आणि चांगले योगदान राहतं प्रत्येक ठिकाणी चव्हाण साहेबांचं। मंथन सर बात करेंगे, टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा रन बनाए 12, लेकिन उसके बाद क्या से एकाक चौके छक्के से काम भरने वाला नहीं है। पर हौसला दिखाते हुए खास करके मैं कहूंगा मयूर अंबेकर ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी की है। ओ अंपायर देखिए भाई, चिंगो चिंगो एक लेग पाई का देखिए इशारा कैसा आता हुआ भाई, कितना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। हैरी सर ने देखिए वो दिखाया भाई, वफादार जो जानवर होता है ना कुत्ता, उसके अंदाज दिखाया भाई बहुत बढ़िया। देखिए लेग भाई का यहां से कोई बात नहीं, हैरी सर ये आपका अंदाज है, किसी का नकल करना इतना आसान नहीं रहता है और आपने ये काबिलियत आपके अंदर है। लेकिन यहां से देखिए रन आना बहुत जरूरी है भाई, अगर रन नहीं आएगा चौके छक्के की आतिशबाजी होना जरूरी है। स्कोर देखिए थोड़ी सी एकदम से निराश से अक्रॉस द लाइन ऑफ लंग 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 मात्र खिंडार पाडलं जातंय काय जबरदस्त दारदार तेज तर्रार गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे पंकज पाटील कडनं। दोन बॉल वर दोन विकेट, एक लेग बाईज आणि एक LBW या ठिकाणी आपण पाहतोय। मंथन सर बात करेंगे यहाँ पर एकदम से देखे दबाव डाल दिए भाई, कहते हैं ना सर में यहाँ से टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो नहीं तो खुद को डिलीट कर दो, बल्लेबाज भी सोच ही बना लिए हैं। मिलिंद पाटिल ने बैटर की बात करेंगे और वैद पाटिल की जोड़ी, देखते हैं जोड़ी क्या रंग लाती है भाई। पंकज पाटिल यहाँ पर कैर बरसा रहे अपने गेंदबाजी में, ले जाएंगे और हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए पर सिंगल आएगा भाई, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना धूप कितना भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकता, अब सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो भाई आपको 7 तक नहीं पहुंच सकते हैं। बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले, मुश्किल है लेकिन नाम उनके नहीं। यस डेफिनेटली एकदम बरोबर, या ठिकाणी आपण पाहतायत ट्रॉफी आहे जगदीप चमचमीत, या ट्रॉफी आहे आपल्याला या ठिकाणी स्पॉन्सर्ड केले गेले आहेत। पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी या ठिकाणी श्री विपुल मनोहर पाटील वरे यांच्याकडून स्पॉन्सर्ड झाली आहे। द्वितीय क्रमांकाची ट्रॉफी आपण पाहतात श्री शाबान शेख दहीसर यांच्याकडून स्पॉन्सर्ड झाली आहे। तिसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी आपण पाहतात श्री रामदास सरवटे सावरे यांच्याकडून स्पॉन्सर्ड झाली आहे। चौथ्या क्रमांकाची ट्रॉफी आपण पाहतात श्री दत्ता सांबरे बोट यांच्याकडून स्पॉन्सर्ड झाली आहे आणि सहा उत्तेजनार्थ ट्रॉफी आपण पाहतात श्री बंडू गावड साखरे सदाभाई यांच्याकडून स्पॉन्सर्ड झाली आहे। श्री जयवंत पांडुरंग पाटील यांच्याकडनं दुसरी ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड झाली आहे। कमल डाबा कुडे पंकज सांबरे यांच्याकडनं तिसरी ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड झाली आहे। श्री सागर टोकरे बोट यांच्याकडनं चौथी ट्रॉफी, ढेकाळे सरपंच यांच्याकडनं पाचवी ट्रॉफी आणि विकी वजे साखरे यांच्याकडनं सहावी ट्रॉफी, अशा या क्या बात है यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा हिट खेलने गए फिर से एक बार जाल में फंस गए भाई, यहाँ पर बड़ा हिट नहीं आ रहे लगातार विकेट गिर रहा है यहाँ पर। और मंथन सर कहते हैं ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, है ये बैटर बाउंड्री कब लगाएंगे, क्या मुकाबला हारने के बाद? जरूर यहाँ पर भी बड़े हिट करने होंगे। या ठिकाणी आपण पाहतात प्रत्येक मॅच करता मॅन ऑफ द मॅच स्पॉन्सर्ड केले एसके खान यांच्याकडनं, उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक आणि मॅन ऑफ द सिरीज करता आपण पाहतोय श्री विनीत विजय सातवी यांच्याकडनं, स्वर्गीय विजय काळू सातवी आणि स्वर्गीय विनिया विजय सातवी यांच्या स्मरणार्थ मॅन ऑफ द सिरीज करता सायकल आपण पाहतोय आणि ती सायकल या ठिकाणी मात्र स्पॉन्सर्ड केली आहे श्री विनीत पाटील उद्योजक संकल्प इंडस्ट्रीज माकणे यांच्याकडनं। त्याचबरोबर उत्कृष्ट गोलंदाजा करता शूज आपण पाहतात श्री योगेश किणी यांच्याकडनं स्पॉन्सर्ड केले गेले। उत्कृष्ट फलंदाजा करता पहिली बॅट श्री महेश मार्तंड पाटील दहिसर यांच्याकडनं, दुसरी बॅट आपण पाहतात श्री हर्षद तुकाराम भगत उद्योजक वसई यांच्याकडनं आणि तिसरी बॅट MB स्पोर्ट्स मात्रे ब्रदर्स वसई यांच्याकडनं आपण पाहतोय। क्या गेंदबाजी हो रही है भाई यहाँ से लगातार, देखिए यहाँ पर अतिश गेंदबाजी, देखिए यहाँ पर साई सोल, यहाँ पर बहुत टीम देखिए बता रहे हैं भाई ले जाएंगे ट्रॉफी उठा कर ले जाएंगे और रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। अभी भी 24 गेंद की 58 की जरूरत है, अभी भी मुकाबला को बना सकते हैं। उसके लिए मंथन सर कहते हैं ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते,
परिंदों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। जब परिंदा सुबह घर निकलता है और शाम को देखे घर वापस आता है, ना उसके पास नक्शा रहता है ना उसके पास रास्ता रहता है। लेकिन यहां पर बैटर के सामने देखे 24 गेंद भी है भाई, नक्शा भी है और रास्ता भी है, बस तय यही करना है कि किस तरह से पहुंचना है। एक एक ओवर को लंबा बनाना होगा, जैसे कहते ना हजार फूल कम एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक एक लंबा ओवर की जरूरत है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। डेफिनेटली एका मोठ्या ओव्हरच्या तलाश मध्ये आता मात्र फलंदाजी करणारा संघ असेल, कारण की सद्यस्थितीला खूप धीम्या गतीने फलंदाजी करताना दिसतात। त्याचबरोबर संपूर्ण स्पर्धेकरिता बॉल या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध करून दिले आहेत श्री मिलिंद पाटील गिराळे यांच्याकडनं। 58 धावांची या ठिकाणी अजूनही आवश्यकता। बॅकफुट वरती गेले, चांगल्या प्रकारे खेळलं, लॉंग मिड ऑफच्या दिशेला मात्र चेंडू गेलाय। हॅरी सर आपण पाहतोय आपल्या शैलीमध्ये या ठिकाणी पाहतायत, प्लेअर ऑफ द डे करता टी शर्ट आपण पाहतोय। अनिल यादव आणि सुनील यादव यांच्याकडनं या ठिकाणी स्पॉन्सर्ड केले गेलेत मेडिकल किट। निखिल पाटील दहिसर आणि भगवंत पाटील साखरे यांच्याकडनं या ठिकाणी स्पॉन्सर्ड केले गेले आहेत। बहुत बढिया, ये तो हमारे लिए आयसीसी है, ये तो हमारे लिए बीसीसीआई है, हर दानसु दाता ने देखिए बहुत बढ़िया साथी है। और इतना बड़ा खूबसूरत देखिए प्रतियोगिता, और ये चलिए भाई सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, जितना मर्जी आप सिंगल डबल भी बना लो, कहते ना हवा से क्या फूल खिलेगा जब तक बारिश ना हो, और सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। यहाँ पर फायर बनना पड़ेगा फायर, क्योंकि सिंगल डबल से काम नहीं चलेगी, टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो। या ठिकाणी आपण पाहतोय जरूर अगदी बरोबर म्हणालात वेद पाटील, आपण पाहतोय आता तप्पाव्या कशा पद्धतीने खेळ पुढील चेंडूला, इथून मात्र मोठ्या फटक्यांची तलाश आणि बॅटची इनसाइड एज अँड टेकन अप्रतिम जेल योगेश किने टिपलाय, विकेटचं या ठिकाणी झालं पतन डॉन। अरे देखिए थोड़ा मुश्किल हालत बनी है, लेकिन सुमंतन सर कहते हैं ना जिसपे लोग हंसते हैं अक्सर वही इतिहास रचते हैं। अभी तो देखिए यहाँ पर शांत है, लेकिन आने वाला देखिए 21 गेंद 56 की जरूरत है न्यू बैटर्स है। और ये चलिए भाई और एक टॉट गेंद, पान का जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे भाई, चौके लगा छक्का लगा टॉट गेंद खेलना छोड़ दे। टॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा, इसलिए तो कहा जाता है भाई डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं, हिम्मत जोड़ना होगा तब इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ओहो हो हो हो, ये देखिए भाई यहाँ पर हिम्मत नहीं, और एक विकेट देखिए यहाँ से गिरता हुआ भाई, क्या कमाल की गेंदबाजी, आज कुछ तूफानी हो जाए। इथे मात्र तुफानी खेळी फलंदाजांना करावी लागेल, कारण की चेंडू आणि धावांमधील अंतर आता आपण पाहताय तर खूप मोठ्या फरकामध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं। शाबान शेख आपण पाहतोय प्रत्येक वर्षी मात्र त्यांचं योगदान या स्पर्धेला असतं आणि आज देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं, खूप खूप धन्यवाद आणि आभार। लगातार देखिए विकेट का सिलसिला 17 का 17 बरकरार, देखिए यहाँ पर नितेश यादव देखिए यहाँ पर 3 विकेट ले चुके हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। यहाँ पर मंथन सर कहते हैं ना किसी का मीठा बोल है तो किसी के दिल में झोल है, और ये दुनिया भी गोल है और नितेश यादव का डबल रोल है, क्योंकि बल्लेबाजी में 30 रन और उसके बाद देखिए 3 सफलता, किसी की मीठी बोल है और किसी के दिल में झोल है और ये दुनिया भी गोल है, और नितेश यादव की देखिए डबल रोल, क्या चौथा विकेट नहीं, बाल बाल बचे 3 विकेट लेते। ओ हैरी सर को क्या हो गया भाई, चिंगो चिंगो यानी लैला की शादी में लफड़ा हो गया, कैच तो छूटा है थोड़ा इंटेंटमेंट है। रिशर देखिए अभी भी बात करेंगे, रिकॉर्ड है भाई इनके नाम, एक दिन में 12,000 इनाम हासिल करने वाले अंपायर देखिए, लेकिन अभी भी देखिए इंतजार कर रहे हैं भाई मेरी भी झोली भर दो। सामन्याचं समीकरण जर आता आपण पाहिलं तर येणारे चेंडू आता बाकी आहेत 18 चेंडू आणि जिंकण्याकरता 55 धावांचं लक्ष अजूनही गाठायचं आहे। आता या लक्ष्याचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे तर एम ए किंग फायटर कुडे संघाला मोठेच आणि मोठे फटके, लांब लचक फटके तुम्हाला खेळावे लागतील, धावा या मोठ्या प्रमाणामध्ये जमावे लागतील। ऑन फायर हरी सर देखिए एकदम व्हायब्रेट बन चुके हैं पर से, देखिए रन क्या नहीं रहा है, और एक देखिए टॉट गेंद भाई यहां से, भाई कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नाले वो सफेद नहीं दिखेगा, और आप कितना भी सिंगल डॉट गेंद निकाल दीजिए आपको मंजिल नहीं मिलेगा, मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए,
पांच विकेट गवाए हैं। नेटवर्क सीरीज में देखिए बात करेंगे, जब हिंदुस्तान का आधा टीम ढेर था, इंग्लैंड को पता था कि मैदान के अंदर और एक शेर था, वो युवराज सिंह, तो शायद सिंह किंग एक इनिंग्स खेलना होगा भाई। जब मोहम्मद कैफ युवराज सिंह के बीच में हुई थी साझेदारी, तभी जाकर सौरभ गांगुली बेंगल टाइगर ने टी शर्ट उड़ाया था, 325 का पीछा किए थे। इतना जल्दी देखिए 150 के अंदर पांच विकेट गवाए थे, भलाई यहां पर 19 पर पांच गवाए हैं, लगे अभी भी मौका है। जरूर जरूर अजून मौका है, इतने मात्र फलंदाजांना त्याप्रमाणे कामगिरी करावी लागेल। धीराजा स्ट्राइकिंग एंड वरती येत आहे, झटकातील पुनः एकदा पुढील बॉल हाताळण्याकरिता सज्ज होते पंकज पाटील, पुनः एकदा चांगला बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड, चेंडूला मात्र खेळले फाइन लेगच्या दिशेला, मात्र आपण पाहू शकतात आणि धाव संख्या या ठिकाणी एक धाव दुसऱ्याचा प्रयत्न, आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकतात विकेट झाले पतन। आता मात्र नव्याने दाखल झालेत मार्शल सातवी। हॅलो, चलिए बात करेंगे बरसे लगातार मुश्किल में टीम आती हुई, समीकरण देखिए अब मुश्किल है ये, चलिए और एक डॉट गेंद देखिए पर डगआउट एकदम से आसान थे भाई, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, और अभी तक देखिए बल्लेबाज आने में वक्त लगा दिए हैं, अब 14 गेंद पाबंद की जरूरत है। 14-52 च ही क्वेश्चन आता मात्र अवघड होत असताना आपण या ठिकाणी पाहतोय, पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नो मॅन्स लँड मध्ये, या ठिकाणी मात्र चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी पुढे येत आहेत, आणि आपण पाहू शकाल तर एकच रन तिथे मिळत आहे। शबान शेख आपण पाहताय त्यांच्या वतीनं प्रत्येक पर्वामध्ये पारितोषिक जी आहे त्या ट्रॉफ्या ज्या आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, आणि यावेळेला देखील आपण पाहू शकतायत 1, 2, 3 आणि 4 क्रमांकाची पारितोषिका आपल्याला या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळत आहेत शाबान शेख यांच्या वतीने, मात्रे ब्रदर्स आपण यांच्याकडून देखील पाहतायत, ऑरेंज आणि पर्पल कॅप या ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे, बॅट देखील उत्कृष्ट फलंदाजाकरता पाहायला मिळाली आहे। यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा लाऊड अपील, बाबू सर यहां पर जब बात कर रहे तो टॉस हुआ था, टॉस जीता था एमए किंग फाइटर कुड़े टीम ने, और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग चूज की थी, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है टेनिस बॉल क्रिकेट में जब टॉस जीतते शाम का टाइम रहता है तो बहुत बार पहले बार बैटिंग की जाती है। हेलो, तो चलिए 12 गेंद देखिए बात करेंगे, यहां से 51 रनों की जरूरत है। मंथन गरज सर देखिए मुकाबला की बात करेंगे, सही बताइए जब टॉस जीते थे शायद कोई डिसीजन, लेकिन कोई बात नहीं, टॉस के समय देखिए कप्तान बैटिंग ले या फील्डिंग ले, लेकिन जो चीज हमें मिला था उसे सही तरह से हमें निभाना चाहिए था, वो नहीं निभा पा रहे यहाँ पर बल्लेबाज है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है, और एक देखिए अच्छी गेंदबाज यहाँ पर है, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पा रहे, एकदम से देखिए निराश कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी, कहते ना जुट गए तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा, क्या कमाल की गेंदबाजी यहां से होता हुआ, लाजवाब गेंदबाजी यहां पर, दर्शक देखे खचाखच क्राउड, और ये देखिए यहां से और एक बड़ा हिट खेलने गए लेकिन यहां पर भी फंस गए, चौका छक्का नहीं आ रहा यहां पर, हम दिक्कत बनते जा रहे हैं भाई, मुकाबला देखिए फाइनल मैच सोच रहे थे कि फाइट मुकाबला बने, लेकिन जो नीतीश यादव ने इनिंग्स खेला था आखिरी में शायद वहां पर बड़ा स्कोर की तरफ पहुंच गया, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना यहां से 10 गेंद 50 की जरूरत है, 10 गेंद 50 यहां पर थोड़ा सा औपचारिक आप दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बल्लेबाज देखिए एकदम से टूट गए, यहां से सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा यहां पर मंथन सर, जैसे कहते हैं ना भीगी हुई सिगरेट जलेगी नहीं और सिंगल डबल से काम चलेगी नहीं एकदम बरोबर, वॉइस ऑफ पनवेल का म्हणून ओळखलं जातं, तर अगदी टायमावरती वाक्य बोलली जात आहेत आणि अगदी प्रसिद्ध आहे, TDPL मध्ये देखील आपण ऐकणार आहात बाबू सरांना, ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग अगदी थोड्या दिवसांमध्ये ती स्पर्धा येणार आहे। यावेळेला मात्र धीरजच्या बॅटमध्ये येतोय जबरदस्त फटका, येतोय हाय अँड हँडसम, पण उशीर झाला या षटकाराला, षटकार बहुत लेट हो गया छक्काने में,
सांबरे आणि दत्ता सांबरे यांच्याकडून साई सावली बोट या संघाला 500-500 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी जाहीर झालंय, कारण की कामगिरी देखील तशीच उच्च दर्जाची केली आहे या अंतिम लढतीमध्ये। चलिए बात करेंगे, यहाँ पर 8 गेंद 43 रनों की जरूरत है। मंथन सर, यहाँ पर कोई क्रिकेट के इतिहास में इतना रन बना नहीं है 8 गेंद पर 43 रन, लेकिन एक इतिहास में अगर आपको याद कर दिलाना चाहूंगा 75 में शायद क्रिकेट में उतना कुछ रोल नहीं आया था, ऑस्ट्रेलिया में एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला गया था जहां पर 75 रन भाग कर चुराया गया था। शायद मुन्ना सर को भी पता रहेगा, मैदान के अंदर एक पेड़ था और उस समय गेंद जाकर पेड़ में लटक गया था, तब तक बैटर ने भाग कर 75 रन चुराए थे, अंपायर से अपील भी किया गया था, लेकिन उस समय देखिए इतना रूल रेगुलेशन नहीं आया था, आईसीसी का नियम भी उस टूर्नामेंट में नहीं था खास करके, जिसके कारण 75 रन है। से पहले शायद बहुत पहले यह मुकाबला एक हुआ था 1940-45, क्योंकि हमने तो देखी नहीं है जो पढ़े थे शायद, क्योंकि कुछ क्रिकेट का पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ये देखिए भाई क्राउड शोर शराबा, भाई ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे और रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे, चैंपियन बनने का मजा ही कुछ अलग रहता है। मंथन सर 30 पर 7 विकेट देखिए, यहां से एकदम से सन्नाटा देखिए, और टारगेट बहुत बड़ा बन गया। कहते ना रात क्या ढली तो सितारे चले गए, भाई बिगानों से क्या कहे जब अपने चले गए। अरे जीत लेते ये क्रिकेट की बाजी हम जरूर है, लेकिन जीतने की कोशिश में हमारे साथ बल्लेबाज चले गए। का शुरुआत में विकेट ना गवाते भाई तो फिर कुछ भी हो सकता था। मंथन सर निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में बात करेंगे, पूरी आयोजन कमेटी का तहदिल से शुक्रगुजार करना चाहूंगा। और दीपेश जी लीजिए आप, मंथन सर आपका हमारी कमेंटेटर पैनल से, और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे पर साई प्रीत लाइव चंदो जी माई पूरी टीम आपके, और उसके साथ देखिए क्राउड, आज जो क्राउड ने साथ दिया है इनकी भी तारीफ करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया दोपहर का भजन भी था, उनकी भी निश्चित रूप से तारीफ करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ देखिए हमारे अंपायर जेपी पैनल से मुन्ना पठान सर है, और उसके साथ देखिए हरीश सर है, और उसके साथ साथ देखिए अभय पाटोले सर है, और उसके साथ साथ जितनी भी मेहमान देखिए हम सुबह से देख सकते हैं, हर दानसुर दाता इस क्रिकेट को जिंदा रखे। देखिए ना हमारे पास है, यही तो मैंने सुबह से बता रहा हूँ, अगर ये दानसुर दाता नहीं होते तो फिर ये टेनिस क्रिकेट इस मुकाम पर ना होता। मैच एकदम से देखिए एक तरफा बन चुका है, जिंदगी रही तो निश्चित रूप से मंथन सर है फिर से आपके पास मिलेंगे। लगातार 45 डे से मैं कॉमेंट्री करते आ रहा हूँ, लगा नहीं था कि आज आवाज मेरी जिंदा जीवित रहेगी, लेकिन जो दर्शकों का प्यार है और आपके साथ है, टाइमिंग देखिए अच्छा नहीं हो पाया, पर थोड़ा खराब बल्लेबाजी। कहते ना इंसान गरीब पैदा होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं, अगर गरीब मरता है तो उसमें उसका गलती है। भलाई कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग लिए थे उसमें उनकी गलती नहीं है, अगर आपने रन नहीं बनाया ये आपकी गलती है। यहां पर देखिए मुकाबला एकदम से झोली में डालते हुए भाई, अब समीकरण की बात करेंगे, दिल्ली बहुत दूर, 2 गेंद अब 40 की जरूरत है, फूल तो टूटकर बिखर जाएगा, खुशबू हवा में रह जाएगा, जिला परिषद प्रीमियर लीग यहां से अलविदा ले लेगा, लेकिन A1 यहां पर आयोजन नियोजन देखने को मिला है। मंथन सर इसलिए तो कहता हूं कि जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर नहीं। आज जिला परिषद प्रीमियर लीग देखे कामयाबी के मुकाम तक पहुंचता हुआ, और ये चलिए भाई सेलिब्रेशन, ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, ठोक नीचे